नीति आयोग की अहम बैठक आज है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। तो वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर बहिष्कार करेंगे तो नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं होंगे। जहां नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं होंगे तो तेलंगाना के सीएम केसीआर भी बहिष्कार करेंगे। वहीं दूसरे राज्यों के सीएम इस बैठक में जरूर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक आयोजित की जा रही है। नीति आयोग की अहम बैठक जो आज है, ये अहम बैठक नीति आयोग की जो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। और दिल्ली से अश्विनी यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक होनी है, नीति आयोग की ये अहम बैठक, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें पूरे देश से राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी, केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार मीटिंग का किया है, वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके बजट को लेकर कई सारे केंद्र सरकार के साथ इश्यूज़ हैं, जिनको लेकर उन्होंने बहिष्कार किया है और पत्र भी लिखा है। दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2019 के बाद ये बैठक व्यक्तिगत रूप से आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 3 दिन से दिल्ली दौरे पर हैं और आज इस बैठक में शामिल होंगे। बीते दिन अमृत, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में भाग लिया था। आज नीति आयोग की इस काउंसिल बैठक में भाग लेंगे। तिलहन, शिक्षा, कृषि समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इसमें चर्चा होनी है और कई निष्कर्ष इसमें निकालने हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि ये बैठक आज आयोजित होगी, कितने बजे तक ये बैठक होगी, कोई अंदाज़ा कि कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस बैठक का है, उसमें करीब 10 बजे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स और एलजी से हम शायद एक फ़ोटो सेशन का कार्यक्रम इसमें रखा गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्ट होंगे। उसके बाद जो मीटिंग हॉल है उसमें पहुँचेंगे और बैठक शुरू होगी। उसमें कृषि को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन की जो नई पॉलिसी है उसको लेकर, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और बीच में लंच ब्रेक होगा। उसके बाद 4 बजे तक की बैठक चलेगी और 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक से लौट जाएंगे और बैठक भी पूर्ण होगी। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या स्कूली शिक्षा हो, साथ ही साथ शहरी प्रशासन के मामले हो, इन पर विचार विमर्श होगा। क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ इसमें रहने वाला है? हाँ, देखिए 5 बिंदु हैं, मैं इसमें आपको बता दूं कि 5 बिंदुओं में, इसमें अर्बन गवर्नेंस का बिंदु भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है स्कूल एजुकेशन को लेकर वो इसमें चर्चा की जाएगी, और इसमें हायर एजुकेशन की जो नेशनल पॉलिसी है उस पर इसमें चर्चा होनी है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको लेकर इसमें चर्चा होनी। 5 बिंदु हैं और 5वां बिंदु है कि चेयर की अनुमति से जो भी कोई बिंदु सामने आता है उस पर चर्चा होनी। तो 5 बिंदुओं का जो एजेंडा है वो इस बैठक में होना है। हालांकि जो इंट्रक्शन है चीफ मिनिस्टर्स की ओर से, इंटरवेंशन जो हो सकता है वो भी इसमें होगा, और लंच ब्रेक के बाद जो एलजीज हैं और चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट्स के हैं उनसे इसमें अलग से बात होगी 5 बिंदुओं की बात होने के बाद, और उस बातचीत के बाद ये बैठक संपूर्ण होगी। नीति आयोग की देश भर के लिए, नई नीतियों के लिए और क्या कुछ आगे किया जाना, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन इसमें किया जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बैठक ये होनी है। अश्विनी, अगर राजस्थान की तरफ से देखें तो राजस्थान की, राज्य की तरफ से क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है, राजस्थान के लिए क्या महत्वपूर्ण रह सकता है इस बैठक में?
देखिए केंद्र की ओर से जो स्टेट को बजट दिया जाता है लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई सारे मुद्दों को उठाते रहे हैं, जिसमें भले ही ERCP का मुद्दा है, जिसे राष्ट्रीय योजना बनाई जाए, पानी को लेकर मुद्दा है, जिसमें भले ही भाजपा ये कहती रही हो कि राजस्थान को बजट ज़्यादा दिया है और खर्च कम किया है, इन सब मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रख सकते हैं कि राजस्थान में पानी का सबसे ज़्यादा संकट है, इसीलिए वो ERCP की योजना लाए। पश्चिमी राजस्थान को देखें तो वहाँ बड़ी मुश्किलें हैं और हर घर नल योजना और ये सब योजनाएँ हैं, इसमें कितना बजट मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस का या सरकार का राजस्थान का ये लगातार ये आरोप है केंद्र सरकार जो है कुछ राज्यों के साथ ठीक व्यवहार नहीं, समानता का व्यवहार नहीं कर रही, और यही कारण कहीं तेलंगाना के साथ भी है कि तेलंगाना ने जो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजे उसकी अनुमति उसे नहीं मिली। 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे थे कि तेलंगाना ने कहा कि हमने अपने दम पर राज्य ने पूरे किए और केंद्र ने अपना हिस्सा उसमें नहीं दिया। ठीक ऐसी स्थिति ERCP के साथ भी राजस्थान में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उसमें अपना हिस्सा नहीं देती है, अनुमति नहीं देती, उन्हें सिर्फ बनाने की अनुमति दी जाए, राज्य सरकार अपने दम पर ERCP का प्रोजेक्ट पूर्ण करेगी, लेकिन उसकी अनुमति भी, क्योंकि कई सारे टेक्निकल इश्यूज केंद्र सरकार की ओर से बताया गया, इसमें मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स को लेकर इशू थे और जो भराव था जो पानी का उसको लेकर कि 12 महीने कितना पानी उसमें आता है और उसकी पूर्णता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, प्रोजेक्ट कितनी सफलता होगी, ये सारे इश्यूज़ थे उनको लेकर बात हुई थी, तो अभी तक ERCP का क्लियर नहीं हुआ। तो इन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान अपनी बात रख सकता है, कई दूसरे मुद्दों में जिनमें बजट राजस्थान को मिलना था नहीं मिल पाया, उनको लेकर चीफ मिनिस्टर बात करेंगे कि ये बजट राजस्थान को क्यों नहीं दिया गया। बिल्कुल, और ये बातचीत होगी, ये बैठक होगी जो महत्वपूर्ण रहेगी, और राजस्थान के तौर पर क्या महत्वपूर्ण रहता है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी।